नमस्कार दोस्तों, आरा रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्वार की फली। तो हमने यहाँ पर देसी ग्वार की फली ली है, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अगर इसे मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी किसी के साथ भी खाया जाए तो ये और ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए, हमने यहाँ पर देसी फली को अच्छे से साफ कर लिया। इस तरह ये देखिए, इसका छिलका निकाल दिया है और आपको ये चिकनी दिख रही है। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल डाल के इसको पानी में ही और इसको अच्छे से निकाल लिया है। तो ये हमारी फली चिकनी हो गई, ताकि ये इसलिए हमने ऑयल डाला है इसमें कि ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी और ये जल्दी बनकर तैयार भी हो जाएंगे। तो चलिए फली बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में इस फली को उबाल करके तैयार करेंगे। तो फली हमने कढ़ाई में रख ली है बॉईल करने के लिए। अब इसमें हमें पानी लिया हमने 1 गिलास। इस पानी को 1 गिलास पानी को हम डाल देंगे। इसमें हमें पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये फली हमारी थोड़ी टाइट होती है और इसे जल्दी गलती नहीं है, तो हमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। इसलिए हम, अगर हमारी फली बिल्कुल कमज़ोर या नाजुक हो तो हम इसमें आधा गिलास भी पानी डाल सकते हैं, लेकिन हमारी यहाँ पर फली देखिए बहुत ही थोड़ी टाइट है। तो अब इसमें हमने 1 गिलास पानी डाला है। तो सबसे पहले हम चलिए गैस ऑन करेंगे और अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। फली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 चुटकी हींग ली है और यहाँ पर मैंने ये देखिए बिल्कुल बारीक वाली हींग ली है। तो आप हींग ज्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि हींग की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैंने आधा छोटी चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है, स्वाद अनुसार ले सकते हैं आप। 7 से 8 कली लहसुन की ली है, इसको मैंने हल्का हल्का कूट लिया है ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा सब्जी में। आप चाहें तो सावित्री लहसुन डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये 5 से 6 हरी मिर्च ली है, इनको मैंने टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। 5 मिनट हो गई है, अब हम फली को चेक करेंगे। अब इसको हम थोड़ा एक फली को हाथ पे लेंगे और इसको चेक करेंगे। अभी फली हमारी पूरी तरह से नहीं पकी है, तो हम इसको और ढक देते हैं 2 मिनट के लिए और इसमें हम नमक मिक्स कर देते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर दे नमक को। अब इसको हम और ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गई है, अब हम चेक करेंगे फली को। तो ये देखिए, पानी हमारा एक्स्ट्रा था, वो भी बिल्कुल सूख के तैयार है, बिल्कुल पानी नहीं रहा है। अब इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। हमने फली को निकाल लिया कढ़ाई में से। तो ये हमने 4 चम्मच तेल लिया है, 4 छोटी चम्मच लिया है, इसको हम डाल देते हैं। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सरसों का ऑयल लिया था, तो ऑयल हमारा पूरी तरह से गर्म हो गया, इसमें से धुआं उठ रहा है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम ये हींग डालेंगे, जीरे डालेंगे। अब इन दोनों चीजों को अच्छे से भुन जाने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हींग और जीरा हमारे अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें हम प्याज, ये लहसुन डाल देते हैं और साथ में हरी मिर्च को डाल देते हैं। अब इन दोनों चीजों को हम अच्छे से भून करके तैयार करेंगे। इनका थोड़ा हल्का हल्का कलर ब्राउन हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें ये फली डालेंगे। ये देखिए, लहसुन और हरी मिर्च हमारे अच्छे से पक चुके हैं, तो अब इसमें हमें ये फली डाल देते हैं।
और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह ये देखिए, अब इसमें हम ये लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है कली में, तो अब इसको हम 2 मिनट और चटकाएंगे, ऐसे ही पकाएंगे, यानी कि चलाते रहेंगे इसको ऐसे लगातार, ताकि फली का टेस्ट और ही अच्छा बढ़ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ग्वार की फली हमारी बनकर के तैयार है। ग्वार की फली बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए, या पूरी या परांठे किसी के साथ भी इसे फली को खाएंगे तो ये और भी स्वादिष्ट लगेगी। तो देखिए, आप फली बनाते समय एक गलती बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स, ताकि ये फली हमारी, हम फली बनाएंगे तब हम पानी फली के हिसाब से ही डालेंगे। अगर हमारी फली टाइट है थोड़ी, तो हम इसमें पानी 1 गिलास डाल सकते हैं। अगर नाजुक है तो हम इसमें 1/2 गिलास पानी यूज करेंगे, ताकि फली हमारी ज़्यादातर गल के तैयार ना हो। तो देखिए, आज की रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।